अब देखो बच्चों, अभी तक तो मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी पर इक्विवेलेंट या पर मोल एच प्लस ओ एच के लिए बताया। अब ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर एसिड और बेस के डिफरेंट इक्विवेलेंट्स दे रखे हों। अब ऐसी कंडीशन में आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें? तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन गिवन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस, तो ये है इसके लिए। यहां पर डेल्टा एच ये कहलाएगा टोटल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये ध्यान रखें कि ये कोई न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी नहीं है, ये टोटल जो भी इक्विवेलेंट्स एसिड्स या बेस के दे रखे हैं उनके न्यूट्रलाइजेशन में कितना हीट चेंज आएगा उसको कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड, जो एसिड और बेस के इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज्ड हो रहे हैं वो लें, और इनटू 13.7 किलो कैलोरी तब यूज करें जब आप किलो कैलोरी में कैलकुलेट कर रहे हैं, और यही इक्विवेलेंट ऐसे में इसको मल्टीप्लाई करें 57.4 किलो जूल से जब आप किलो जूल में कैलकुलेट करें। फिर से सुने, ये जो इक्विवेलेंट यूज होंगे, अब आपको एसिड और बेस के इक्विवेलेंट अलग अलग दे रखे हैं, तो पहले आप उन्हें कैलकुलेट करें वो कितने हैं। डायरेक्ट दे रखे हैं, इनडायरेक्ट ग्राम में है, इक्विवेलेंट में चेंज कर, जो इक्विवेलेंट सबसे लोवेस्ट हो मींस उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग इक्विवेलेंट, उन्हीं को यहां मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखें ये है लिमिटिंग इक्विवेलेंट, समझ गए ना बच्चों कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि एक्सिस में है। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे आप कि एसिड और बेस के डिफरेंट इक्विवेलेंट्स दे रखे हो तो आप इस रिलेशन से आप न्यूट्रलाइजेशन हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हटाते हैं, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो सपोज यहां पर थ्री क्वेश्चंस है। नंबर वन, 0.5, ठीक है, मोल HCl प्लस 1.0 मोल NaOH फर्स्ट। सेकंड में है 60 ग्राम 40 ग्राम NaOH एंड 98 ग्राम H2SO4। थर्ड है 0.1 मोल HCl प्लस 0.1 मोल NaOH और 0.5 मोलर 200 ml HCl प्लस 0.5 मोलर 100 ml of NaOH। इनमें हमें डेल्टा एच एन कैलकुलेट करना है। ओके, कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन कंडीशंस में क्या होगी? तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट आप यहां जाओ, NaOH इक्विवेलेंट देखें तो 1 होगा, क्योंकि NaOH का मोल हो चाहे इक्विवेलेंट सेम होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम है। HCl का इक्विवेलेंट में आ जाओ बच्चों, HCl का इक्विवेलेंट ये भी कितना होगा 0.5 मोल। HCl का इक्विवेलेंट और मोल सेम होगा, इक्विवेलेंट मास मोलर मास सेम होता है, n फैक्टर इनमें जो है बच्चों 1 है। ओके, अब हम फर्स्ट में देखें कि डेल्टा एच एन कितना हो, तो आप ध्यान रखें कि जो लोएस्ट इक्विवेलेंट है उसी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? देखो HCl का 0.5 इक्विवेलेंट और NaOH का 0.5 इक्विवेलेंट, वही तो न्यूट्रल होंगे ना, कंप्लीट NaOH थोड़ी न्यूट्रल होगा, तो जो इक्विवेलेंट लिमिटिंग है उससे मल्टीप्लाई करें तो 0.5 इनटू 13.7 किलो कैलोरी पर मोल के लिए या इक्विवेलेंट के लिए। अगर इक्विवेलेंट मोल सेम है तो मोल भी लिख सकते हैं। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे फर्स्ट। ये कौन सी कैलकुलेशन कर दी मैंने? फर्स्ट। अब देखें सेकंड वाले में आ जाए, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ओके, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH तो ये है 40 ग्राम, इक्विवेलेंट मास 40 तो 1। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बच्चों कितने हो जाएंगे? 98/49 होता है इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 2। डेल्टा एच एन तो क्या हो जाएगा बच्चों? -1 × 13.7 किलो कैलोरी। हमने यहाँ डबल और यहाँ न्यूट्रलाइजेशन जो है ना बच्चों, ध्यान रखें कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो इक्वल इक्विवेलेंट में होगा। ओके, इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर न्यूट्रल होंगे, इसका 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट। अब न्यूट्रल हो गए, कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, तो इसके लिए ये वैल्यू आएगी। थर्ड में आ जाए, 0.1 मोलर HCl 0.1 मोलर NaOH,
ये ले लें 0.1 मोलर 1 लीटर और 0.1 मोलर 1 लीटर, ये हम इससे कर दें 1/2 लीटर या 500 ml। ओके, और ये है 1 लीटर। यहां बात समझ गए ना, 0.1 मोलर HCl 1 लीटर, 0.1 मोलर NaOH 500 ml। तो आप यहां पर देखें इक्विवेलेंट ऑफ HCl, HCl इज इक्वल टू m into v upon 1000 या m, जब ये ml में है, लीटर में ले रखा है, मतलब m into v अगर लीटर में है तो ये n into v लीटर में होगा। तो देखो HCl का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0.1 into 1 लीटर means 0.1। तो ये है इक्विवेलेंट, ये है मोल, तो HCl के लिए मोल हो चाहे इक्विवेलेंट सेम होगी, तो ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यहां पर है, तो NaOH में देखो बच्चों 0.5 into 500 अपॉन में 1000, यहां लीटर में था तब मैंने डायरेक्ट, अगर ml में वॉल्यूम है तो 1000 से डिवाइड करना है, और ये 2 तो ये कितना आ गया बच्चों 0.5/2। ओके, तो पॉइंट यहां पर आपने इक्विवेलेंट था 0.5, कहां गए 0.1 1 लीटर 0.1 सॉरी यहां है 0.1। ओके ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0.1/2। तो ये इक्विवेलेंट ज्यादा है, ये हाफ है, तो डेल्टा HN कितना होगा बच्चों 0.1/2 माइनस में लगा के और 13.7। ओके, जस्ट ऐसा ही कैलकुलेशन आप हम यहां आ जाते हैं फोर्थ नंबर में। देखो पहले आप इसके इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट जो लिमिटिंग है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा बच्चों 0.5 into 200 upon 1000। ओके, तो 0.5 upon 5 means 0.1। NaOH में आ जाए आप तो 0.5 into 100 upon 1000। ओके, तो ये आ जाएगा 0.05 इक्विवेलेंट। तो डेल्टा एच एन कितना होगा बच्चों, ये लिमिटिंग हो जाएगा, तो -0.05 into 13.7। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस किस तरह का है। सबसे पहले एसिड और बेस के आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं, जो लोएस्ट इक्विवेलेंट है उसे ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये वैल्यू आएगी। वीक एसिड वीक बेस हो तो बच्चों इससे कम आएगी वैल्यू, क्योंकि कुछ ना कुछ आयनाइजेशन में यूज होगी, तो हम 13-15 ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए ये 13.7 वो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी आपको अलग से दे रखी होगी, फिर उसको आप यूज करके उसमें लिमिटिंग एसिड या बेस इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट में ये बता दूं कि एक रिलेशन यहां तक हो गया आपका, अब एक रिलेशन होता है कि कुछ ऐसे जैसे कि एक्सपेरिमेंटल, ध्यान रखें कि आपको एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्सपेरिमेंटल ठीक है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच एन स्टैंडर्ड, तो इसका रिलेशन होता है डेल्टा एच एन स्टैंडर्ड इक्वल टू क्यू अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस न्यूट्रलाइज्ड। ओके, या एन अपॉन एन ई क्यू, वो भी कौन से बच्चों लिमिटिंग वाले। अब यहां क्यों क्या है बच्चों, तो ये होगी आपकी W into Z into डेल्टा T। W क्या है यहां पर, W हो गई अमाउंट ऑफ वाटर इन कैलोरी मीटर, या जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा टी होगा बच्चों टेम्परेचर चेंज। कई बार आपको डब्ल्यू यहां जो अमाउंट ऑफ वाटर इन कैलोरी मीटर दे रखा है उसमें वाटर इक्विवेलेंट भी यू लिखा होगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर, तब आपको क्या करना है, सपोज स्मॉल है तो W प्लस स्मॉल W भी ऐड कर देना है, डायरेक्ट ये दे रखा है तो फिर आपको डायरेक्ट वाटर के अमाउंट को ही मल्टीप्लाई करना है। तो W इंटू जेड इंटू डेल्टा टी, इससे आ जाएगा Q
और जब हमारे पास क्यू आ जाएगा तो हम इसमें यूज करेंगे। इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन बताता हूं, वो केस को आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि 150 ml of 0.5 नॉर्मल HNO3 at 25.35 डिग्री सेंटीग्रेड वाज मिक्स्ड विद 150 ml of 0.5 normal NaOH solution at same temperature. The final temperature of solution is 28.77 degree. Calculate delta HN of this reaction. Okay. तो सबसे पहले हमें calculate करना है Q. तो Q W into Z into delta T. ये use करेंगे. आपको W यहाँ पर बता दूँ कि W क्या है? Sum of volume. ये mass. Mass of two solutions. वही कह रहा है कि 150 ml ये है और एक 150 ml ये है। ये है क्या? HNO3। ये कितने? ये क्या है बच्चों? NaOH। दोनों को मिक्स करेंगे तो अब सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो गया बच्चों? 300 ml। अब यहाँ पर कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट तो दे नहीं रखा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे? यूज 300 into Z1 स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम इनटू डेल्टा टी। तो देखो बच्चों, डेल्टा टी मींस T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 300 इनटू 1 इनटू T2। तो T2 आप देखें कितना है? 28.77 माइनस 25.35, ये कैलोरी में आएगा बच्चों, क्योंकि आपने स्पेसिफिक हीट किसमें यूज कर रखी है? कैलोरी में। तो ये आया आपके पास 300 into 3.42, ओके? इसको आप कैलकुलेट करें तो ये देखें कितना आएगा। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करने पर, ये है इक्वल टू 10.26 कैलोरी। ध्यान रखें, ये हीट क्यों इक्वल टू हम ऐसा लिखेंगे? ऐसा क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि हीट रिलीज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन, ओके? तो न्यूट्रलाइजेशन में हीट रिलीज हुई है। अब यहां आ जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको एसिड या वेस के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने होंगे। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना है? यहां देखो, 150 इनटू 0.5 अपॉन 1000। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये ml में है, इसीलिए मैंने 1000 से डिवाइड किया। NaOH का देखो कितना है, ये HNO3 का था, तो NaOH कितने हैं? वही 150 into 0.5 upon 1000। तो ये सेम ही, तो किसी एक के इक्विवेलेंट। अगर ये दोनों अलग अलग होते ना बच्चों, तो आप लोएस्ट इक्विवेलेंट लेते। अब ये तो दोनों सेम है, तो हम डेल्टा एच एन इज इक्वल टू लिखेंगे क्यू अपॉन इक्विवेलेंट। तो क्यू हमारे पास कितना है? 1026 कैलोरी। इक्विवेलेंट होगा 150 into 0.5 अपॉन 1000, और आगे 1026 इंटू 1000 अपॉन 150 इंटू 0.5। तो आप इसे कैलकुलेट कर बच्चों, ओके? देखें कितना आता है ये। तो ये आ जाएगा बच्चों 13.6 के आसपास, ओके? आप इसे एक बार कैलकुलेट कर लें, फिर देखिए क्या आता है। अब देखो बच्चों, इस ये इक्विवेलेंट हो गया आपके पास, तो आप यहां में यहां पर कैलकुलेशन कर देता हूं। डेल्टा एच एन स्टैंडर्ड, तो 1036 इंटू 1000 अपॉन 150 इंटू 0.5, ये कैलोरी में आएगा जो आ रहा है 3680 कैलोरी के आसपास। तो 13.6 किलो कैलोरी, 13.68 किलो कैलोरी, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। तो आप समझ गए होंगे एक्सपेरिमेंटल, अगर आपको डेल्टा टी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, ओके, और वाटर का आप वॉल्यूम दोनों के ऐड करके, मैंने वॉल्यूम था वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि वाटर सॉल्यूशन थे तो ml में वाटर हो चाहे ग्राम में सेम होता है, ओके? तो इसलिए मैंने 300 ml को 300 ग्राम में यूज किया है। और फिर इसके बाद लोएस्ट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके डिवाइड कर दो उससे, तो पर इक्विवेलेंट के लिए कैलकुलेट हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूं, इसके बाद एंड करेंगे।
देखो बच्चों एक क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ 500 ml ऑफ 0.2 मोलर QH एंड 500.2 मोलर HCl इज मिक्स्ड एंड स्टिर्ड द राइजिंग टेंपरेचर इज T1. अनदर एक्सपेरिमेंट यूजिंग 250 ml 0.2 मोलर HCl एंड 250 ml of 0.2 molar QH rise temperature T2 तो what is relation between T1 and T2 समझ गए बच्चों कि एक बार 500 ml 0.2 molar QH और 500 ml 0.2 molar HCl दिया गया दोनों को mix किया temperature हो गया T1 rise हो गया दूसरा experiment में 250 ml 0.2 molar HCl और 250 ml 0.2 molar QH दिया गया rise हुआ temperature T2 तो पूछ रहा T1 T2 में क्या relation होगा तो देखो बच्चों अभी मैंने बताया Q is equal to W into Z into delta T. ओके ये रिलेशन है हम Z को 1 मान रहे हैं तो Q is equal to पहला है तो ये है टोटल वेट ऑफ एसिड एंड वो तो ये हो जाएगा 500 प्लस 500 into 1 into T1. ओके फर्स्ट कंडीशन Q1. सेकंड कंडीशन में है Q2. तो Q2 is equal to Q1. ध्यान रखें कि जब वॉल्यूम आधा होगा तो Q1 का हाफ के बराबर हो जाएगा तब यहां ये हो जाएगा 500 ये कैसे आया बच्चों 250 प्लस 250 into 1 into T2 अब हम रिलेशन लें कि Q2 या हम यहां ऐसे ले लें Q1 upon Q2 means Q1 upon Q1 by 2 is equal to 1000 into T1 upon 500 into T2 तो ये और ये 2 is equal to कितना हो गया बच्चों कि 2 into T1 upon T2 तो 2 से 2 तो T1 is equal to क्या हो जाएगा T2 means volume double कर दें triple कर दें concentration same है मतलब molarity same है solutions की तो ध्यान रखें solution का temperature change नहीं होगा क्योंकि heat तो उसी हिसाब से उसी ratio में release होगी ना ज्यादा volume तो ज्यादा heat release होगी कम volume तो कम हीट रिलीज होगी तो इस तरह से आपने इसकी जो है कैलकुलेशन की तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप देखिए उसमें तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया आपको एक एक क्वेश्चन आप आपसे सॉल्व करके बन जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय नमस्कार थैंक यू